गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, CUT की डेट शीट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और आज हम बात करेंगे CUT में डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिकली फॉर अकाउंट्स। आप सब जानते हैं कि हम बिलीव करते हैं स्मार्ट वर्क के अंदर, तो पहले आपके साथ कुछ स्मार्ट बातें करता हूँ कि किस तरह से हमें अकाउंट्स का सब्जेक्ट CUT के अंदर क्रैक करना है। थोड़ी सी अवेयरनेस, आप में से ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे अकाउंट सब्जेक्ट में 50। उस 50 में से आपको करने हैं 40, इट मींस आपके पास 10 क्वेश्चंस की चॉइस है और जो टोटल आपके पास मिनट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 60 मिनट्स। तो फाइनली 60 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और 10 क्वेश्चंस की चॉइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले बात करते हैं अकाउंट्स के डिलीटेड सिलेबस की। डिलीटेड सिलेबस में एक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और एक है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जो ऑलमोस्ट बच्चों को नहीं पता होती कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चॉइसेस में हैं आपके पास वो हैं 10। तो पहली बात तो इन डिलीटेड सिलेबस से इतना ज़्यादा वरिड मत हो, क्योंकि NPO के जो क्वेश्चंस आने हैं वो आने हैं 3 से 4 क्वेश्चंस CUT के एग्ज़ाम में, कंपैरेटिव के आने हैं 2 क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के, उसके आने हैं 3 क्वेश्चंस और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के भी आने हैं 3 क्वेश्चंस CUT के एग्ज़ाम के अंदर। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, कुल मिला के 12 क्वेश्चंस आने हैं आपके, कम्स फ्रॉम डिलीटेड सिलेबस और आपके पास चॉइसेस हैं 10। तो हम अगर स्मार्टली काम करें तो नो नीड टू वरी अबाउट डिलीटेड सिलेबस। आप चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ 1-2 मार्क्स का उस पर डिफरेंस आएगा। बट अब हम आगे चलेंगे, पहले तो मैंने आपको स्मार्ट वर्क बता दिया कि बार बार बच्चे डिलीटेड सिलेबस कर रहे हैं, तो इतनी टेंशन मत लीजिए। जितना आपने अभी तक 12th क्लास में पढ़ा है उसको अच्छी तरह रिवाइज करिए, उसके MCQ कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चा कहता है कि नहीं सर हमें डिलीटेड सिलेबस भी करना है, तो उसके लिए हम आपके साथ सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। NPO में कुछ 10-12 सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और उसमें से आपके CUT एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चंस कन्फर्मली आ जाएंगे, बिकॉज यही ट्रेंड है, यही MCQs का पैटर्न है। तो बने रहिए हमारे साथ साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ NPO के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस विल कम इन योर CUT एग्जाम्स। वंस अगेन ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अकाउंट्स डोमेन के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।